चाणक्य के समसामयिक विशेष में आप सभी का स्वागत है। किसी भी देश के राष्ट्र प्रमुख को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा सम्मानित किया जाना किसी भी देश के लिए सम्मान का विषय होता है। भारतीय प्रधानमंत्री को भी काफी बार कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया जा चुका है और ये हमारे लिए भी गौरव का विषय है। इसी सम्मान में एक और सम्मान जुड़ता है जिसका नाम है ग्लोबल एनर्जी एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड, जो कि भारतीय प्रधानमंत्री को अभी दिया गया है सेरोविक नामक संस्था के द्वारा। यहाँ ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ हम किसी दल विशेष के नेता की बात नहीं कर रहे हैं, हम भारत के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है। हालांकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये चर्चा में क्यों है, लेकिन इसको थोड़ा हम विस्तार से देख लेते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड दिया गया है और ये सेरोविक नामक संस्था के द्वारा दिया गया है। उनको ये अवार्ड इसलिए दिया गया है कि भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में बहुत सारी नई योजनाएं और नई पहलों की शुरुआत की है और इसके साथ ही वैश्विक ऊर्जा संरक्षण में और एनर्जी बचाने में और पर्यावरण के क्षेत्र में भारत ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इसी के लिए भारत के प्रधानमंत्री को ये सम्मान दिया गया है। ये सम्मान जो उन्हें दिया गया है वो ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान दिया गया है और इस अवसर पर, इस आयोजन पर प्रधानमंत्री जी ने भारत को संबोधित भी किया। भारत को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने इस अवार्ड को देश की जनता को समर्पित किया और भारत पर्यावरण के क्षेत्र में आगे भी इसी तरह का सहयोग करता रहेगा, इसकी वचनबद्धता उन्होंने दोहराई। जो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा वो उन्हीं की भाषा में मैं बताती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं इस पुरस्कार को हमारी भूमि की गौरवशाली परंपरा के लिए समर्पित करता हूँ जिसने पर्यावरण की देखभाल के लिए रास्ता दिखाया है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे सेरोविक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड के बारे में डिटेल से, कि इसे किसने कब कहाँ कैसे शुरू किया था वगैरह वगैरह के बारे में। कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएशन वीक यानी कि सेरोविक ने वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशिप पुरस्कार की शुरुआत की है और इन्होंने ये शुरुआत 2016 में की है। वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में प्रतिबद्ध नेतृत्व प्रदान करने वाले जो प्रमुख नेता होते हैं या जो राष्ट्र प्रमुख होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। डॉक्टर डैनियल येरिकिन ने सेरोविक की स्थापना 1983 में की थी और इसी संस्था की स्थापना करने वाले संस्थापक ने इस अवार्ड की शुरुआत 2016 में की है। अब हम बात करेंगे थोड़ा विस्तार से इस अवार्ड के बारे में। ये प्रत्येक वर्ष मार्च में दिया जाता है और इसका आयोजन ह्यूस्टन में होता है जो कि अमेरिका में स्थित है। इसकी गिनती विश्व के अग्रणी ऊर्जा मंचों में होती है और इस साल यह आयोजन डिजिटल तरीके से किया गया था COVID-19 की वजह से और ये आयोजन 1-5 मार्च तक किया गया था। इस सम्मेलन के दौरान इसके अध्यक्ष डैनियल येरिगिन ने भी कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के बारे में और जानने के और उनके दृष्टिकोण को जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं और इस अवसर पर उनको सम्मानित करने का सौभाग्य जो हमें प्राप्त हुआ है उसके लिए हम बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर बात करेंगे कि इस पूरे प्रोग्राम के दौरान एनवायरनमेंट को लेकर किस किस तरह की बातें हुई और उनके क्या निहितार्थ निकलते हैं। तो हम देखेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल पर बल देने की जो बात की गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इससे पहले भी बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पर्यावरण संरक्षण के कार्य करने के लिए सम्मानित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी को प्राकृतिक ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने के लिए भी अवार्ड मिल चुके हैं। केंद्र सरकार की ओर से लगातार क्लाइमेट चेंज के मद्देनजर सौर ऊर्जा समेत अन्य प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल पर बल दिए जाने को लेकर हमेशा से उनको सराहना उनकी होती रही है और उन्होंने हमेशा इस पर जोर भी दिया है, जिसके जरिए भारत में बिजली के नए नए तरीके तैयार किए गए हैं। तो ये जो है प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल पर हमने इस पर बात कर ली है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि पर्यावरण संरक्षण पर प्रधानमंत्री ने इस संबोधन के दौरान क्या कहा। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर दो तरीके के
रास्ते अपनाने की बात कही। पहला रास्ता कानूनी है और दूसरा नीतियों के आधार पर है। इस संदर्भ में भारत सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के उन्होंने उदाहरण दिए, जैसे कि भारत सरकार ने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से बिजली बनाने की क्षमता में 36% इजाफा किया है। इसके बारे में उन्होंने बात की। अप्रैल 2020 से पूरे देश में ज्यादा ईंधन बचाने वाले भारत 6 मानकों को अपनाया गया है, जिसने भी भारत में ऊर्जा की बहुत ज्यादा बचत की है और स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहित किया है। इसी संदर्भ में उन्होंने सरकार की ओर से उन सभी नीतियों का उल्लेख किया जिसके तहत देश की इकोनॉमी में गैस की हिस्सेदारी बढ़ी है। पहले गैस की हिस्सेदारी 6% हुआ करती थी, जो कि अब 15% हो चुकी है। पूरे देश में LPG ईंधन का विस्तार किया जा रहा है और हाइड्रोजन मिशन और PM कुसुम मिशन, जो कि किसानों से संबंधित है, इसको लाया गया है। इन सभी योजनाओं के सहारे सरकार पर्यावरण संरक्षण का काम कर रही है और यही सारे कार्यक्रम की बदौलत जो है भारत के प्रधानमंत्री को ये अवार्ड दिया गया है, जो कि बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसके अलावा जो दूसरा रास्ता प्रधानमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण के लिए बताया है वो है व्यवहारिक रास्ता, व्यवहार में बदलाव का रास्ता। किसी भी चीज़ को बगैर सोचे समझे बर्बाद करना भारतीय परंपरा का हिस्सा नहीं है। भारतीय परंपरा में हम सभी लोग आते हैं और हमने हमारे घरों में भी ये देखा है कि हमें वेस्टेज नहीं करने दी जाती है, तो इसी सोच को हमें बनाए रखना है, इस तरीके को उन्होंने बताया है। और बड़े स्तर पर व्यवहार में बदलाव से हम काफ़ी किफ़ायती कार्य कर सकते हैं पर्यावरण संरक्षण के, ये उन्होंने दो उपाय इसके बताए हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे आज के प्रश्न को। आज का प्रश्न है, सेरोविक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड किस वर्ष प्रारंभ हुआ? विकल्प ए 2006 में, विकल्प बी 2011 में, विकल्प सी 2014 में और विकल्प डी 2016 में। कमेंट सेक्शन में आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा। आप अपने उत्तर कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं पिछली वीडियो में पूछे गए प्रश्न को। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था वो तटीय क्षेत्र प्रबंधन से संबंधित था और पूछा गया था कि ये कथन, इनमें से कौन से कथन असत्य है। उत्तर है डी, ना एक ना ही दो, यानी कि ये दोनों कथन सत्य हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। और हमारे वीडियो से संबंधित PDF को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।